एशियन सुपर सीरीज में आज जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले की सारी जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में। जानकारी क्या है सबसे पहले आपको वो बता दें तो जानकारी आपको मिलेगी मैच प्रेडिक्शन, बेस्ट प्लेयर्स आपकी ड्रीम 11 टीम के लिए और बैटिंग ऑर्डर। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिए। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले यहां पर आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको 100% करेक्ट और एक्यूरेट मैच प्रेडिक्शन चाहिए तो संपर्क कीजिए सिर्फ और सिर्फ सीबीटी आर्या के साथ। जो ये मुकाबला खेला जाएगा, ये मुकाबला होगा एशियन सुपर सीरीज का सातवां मुकाबला और ये मुकाबला पीएसवी और बीआरजी टीम के बीच खेला जाएगा और ये मुकाबला विनोर क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 11 जुलाई को यानी कि आज इंडियन समय के अनुसार शाम को 5:30 पर शुरू हो जाएगा। तो यहां पर पिच के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जो पहला मुकाबला आज खेला जाएगा सेम ग्राउंड के ऊपर तीसरा मुकाबला भी खेला जाएगा। तो पिच रिपोर्ट पहले मुकाबले में मैंने की है, ऊपराई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप पिच रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहां पर आपको सीधे दिखाते हैं बेस्ट प्लेयर्स ऑफ योर ड्रीम 11 टीम के लिए, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। सत्यजीत, इन्होंने 2 रन बनाए पहले मुकाबले में, 14 रन बनाए दूसरे मुकाबले में और 3 विकेट लिए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं क्रांति, इन्होंने 4 रन बनाए पहले मुकाबले में, 30 रन बनाए दूसरे मुकाबले में और 2 विकेट झटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं प्रसन्ना, इन्होंने 10 रन बनाए पहले मुकाबले में, 5 रन बनाए दूसरे मुकाबले में और 1 विकेट झटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं पारथ, इन्होंने 17 रन बनाए पहले मुकाबले में, 6 रन बनाए दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं घनश्याम, इन्होंने 2 रन बनाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं यज्ञवाचन, इन्होंने 16 रन बनाए पहले मुकाबले में, 2 रन बनाए दूसरे मुकाबले में और 1 विकेट झटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं त्यागी, इन्होंने 9 रन बनाए पहले मुकाबले में, 1 रन बनाया दूसरे मुकाबले में और 3 विकेट झटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं फारूक, इन्होंने 11 रन बनाए और 2 विकेट झटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं कार्तिक, इन्होंने 4 रन बनाए और 2 विकेट झटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 9 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं अशोक कुमार रेड्डी, इन्होंने 3 रन बनाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 11 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं बैनर्जी, इन्होंने 3 रन बनाए पहले मुकाबले में, 7 रन बनाए दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं कन्हैया लाल, इन्होंने 5 रन बनाए पहले मुकाबले में, 14 रन बनाए दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं उशान, इन्होंने 16 रन बनाए पहले मुकाबले में, 8 रन बनाए दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 और नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं एंथनी, इन्होंने 4 रन बनाए और 2 विकेट झटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं विक्रम, इन्होंने 7 रन बनाए पहले मुकाबले में, 24 रन बनाए दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं नवीन, इन्होंने 5 रन बनाए पहले मुकाबले में, 6 रन बनाए दूसरे मुकाबले में और 3 विकेट झटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं डियाल स्टेन, इन्होंने 21 रन बनाए पहले मुकाबले में, 3 रन बनाए दूसरे मुकाबले में और 1 विकेट झटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 और नंबर 7 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं संदीप तिवारी, इन्होंने 2 रन बनाए पहले मुकाबले में, 0 रन बनाए दूसरे मुकाबले में और 2 विकेट झटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 7 और नंबर 10 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं सादिक, इन्होंने 0 रन बनाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं बासु, इन्होंने 6 रन बनाए और 1 विकेट झटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं राहत अली, इन्होंने 2 रन बनाए और 5 विकेट झटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 9 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं अमित, इन्होंने 1 रन बनाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 11 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स। तो यहां पर पीएसवी टीम ने एशियन सुपर सीरीज में 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबले जीते हैं, वहीं दूसरी ओर बीआरजी टीम ने एशियन सुपर सीरीज में 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबले जीते हैं। तो अब यहां पे बारी है मैच प्रेडिक्शन की, लेकिन प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको यार 100% करेक्ट और एक्यूरेट मैच प्रेडिक्शन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी आर्या से मिलेगा। जी उनका व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिए अभी। तो अब यहां पे बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है सारे आंकड़े और सारे स्टैट्स के अकॉर्डिंग पीएसवी टीम स्ट्रांग है, तो इसलिए मेरा प्रेडिक्शन है कि पीएसवी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।